ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, व्यापार है, वो ज्ञान देने का साधन नहीं है। वहां तो सारे प्रोफेसर्स कहते हैं अगर आपको ज्ञान लेना है तो एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो ऐसे ही मिलता है। इस एजुकेशन में आना ये तो डिग्री देती है सिर्फ, ज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं। और ये जो विदेशी एजुकेशन सिस्टम है इसका अगर टेस्टिंग करना हो तो दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्टें आप उनको पढ़ें तो आपको हंसी आएगी। वो ये कहते हैं कि यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हुए विद्यार्थी, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हुए विद्यार्थी लोएस्ट आईक्यू के हैं, लोएस्ट आईक्यू के। दुनिया में सबसे कम आईक्यू अगर किन्हीं लोगों का है तो अमेरिकन स्टूडेंट्स का है, सबसे कम आईक्यू। और उसका अगर टेस्ट करना है तो कुछ इस तरह से होता है। एक बार मैं ऐसे ही एक अमरीकी व्यक्ति से बात कर रहा था दिल्ली में, मेरा एक दोस्त है जेएनयू में प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स में, उसके पास एक स्टूडेंट आता है पीएचडी में, गाइड उसने बना रखा, वो पीएचडी कर रहा है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है अमेरिकन। तो ऐसी बात कर रहा था तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया कि ये अमेरिकन तो आईक्यू में बहुत नीचे है। उसने कहा हाँ हाँ मेरे सामने बैठा है, बात करके देख लो। तो हम और वो हिंदी में बात कर रहे थे, वो समझ नहीं रहा था, तो उसने कहा मैं इसका टेस्ट ले लू। मैंने कहा ले लो, मैंने कहा तुम ले लो। नहीं, उनका तुम पूछो ना, इससे एक सवाल तुम्हें पता चल जाएगा इसका आईक्यू क्या। मैंने उसको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, आर यू हैप्पी, तुम खुश हो? ओ, उसने कहा जस्ट, आई विल चेक इट। आप हंसना इसमें बाद में। उसने कहा ओ जस्ट आई विल चेक इट। मैंने कहा हाउ डू यू चेक इट? तो उसने अपना वो निकाला, ये जो लैपटॉप निकाला, एक प्रोग्राम निकाला, उसमें फीडिंग करना चालू किया। तो उसमें एक प्रोग्राम है अमेरिका में, उसके कुछ वो हैं पैरामीटर्स हैं, आप हैप्पी हैं तो ये होना चाहिए, वहां तो सब कुछ रेडीमेड है ना, तो आप खुश हैं तो ये होता है तो आप खुश है। उसने भरना चालू कर दिया, उसमें अंत में उसने क्लिक किया, नो आई एम नॉट हैप्पी, पीएचडी कर रहा है वो, हाँ, और टॉपर है। ये स्थिति है। और इससे भी बुरे हाल है जापानियों के, इससे भी बुरे हाल है जापानियों के। माने दुनिया में लोएस्ट आईक्यू के लोगों को आप मिलना चाहते तो अमेरिका जाइए, जापान जाइए, और यहां चले जाइए ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, लोएस्ट आईक्यू के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। कारण क्या है? सिस्टम वैसा है, एजुकेशन सिस्टम वैसा है। उसमें उनका दोष नहीं है, उनका कसूर नहीं है, जिस सिस्टम से वो पढ़कर निकले हैं वो है ही ऐसा। फिर मैंने उससे, मेरे जो दोस्त प्रोफेसर से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास ऐसे और कितने स्टूडेंट आते हैं? उसने कहा जर्मनी वाला आता है, हाँ ठीक है, थोड़ा ये आ जाते हैं जर्मनी वाले, फ्रांस वाले। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा आईक्यू किन में है? उन्होंने कहा या तो भारतीय में, या तो चाइनीज में। मैंने पूछा चाइना और भारत में कंपैरिजन करें तो उसने कहा निश्चित रूप से भारतीय। तो मैंने पूछा अगर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम बताओ तो? उसने कहा भारत का सामान्य रूप से कक्षा 8 या 9 का विद्यार्थी जितना आईक्यू रखता है उतना अमेरिका में कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं रखता, सामान्य रूप से। तो होने वाला क्या है कि एकदम सड़ा हुआ सिस्टम एजुकेशन का उनका भारत में आके छाएगा। और हिंदुस्तानी लोगों की एक बुरी आदत है कि जो कुछ विदेश से आता है वो सब अच्छा है, अमेरिका से आया है, यूरोप से आया है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि गोरे लोग लाए हैं, गोरे लोग पढ़ा रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा। इसी में मारे जाएंगे और वो कुछ नहीं करेंगे, यहां से डॉलर लूट के लेके जाएंगे। तो एजुकेशन में अगर ये विदेशी आते हैं तो शिक्षा का जो हिंदुस्तान में थोड़ा भी स्तर है ये आपको अपनी आंखों के सामने बहते हुए अभी 3-4 साल में दिखाई देगा। वैसे हम हिंदुस्तानी परेशान हैं इस बात को लेके कि हमारी शिक्षा कुछ काम की नहीं है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी है कि हमने डिग्री होल्डर बेरोजगार तो पैदा किए हैं, इनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नेटवर्किंग भी नहीं, हम एक काम से परेशान है। लेकिन इससे भी ज्यादा खराब स्थिति अगले 2 साल में दिखाई देने वाली है जब ये विदेशी विश्वविद्यालय आते हैं। और ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे, विदेशी वकील आएंगे,
अब विदेशी वकील आएंगे उनको परमिशन है। इसके लिए भारत सरकार ने इंडियन एडवोकेट्स एक्ट को चेंज करने का तय कर लिया और काफी कुछ चेंज कर भी दिया है, सीपीसी चेंज कर दिया है ताकि विदेशी एडवोकेट आके यहां प्रैक्टिस कर सके। अब वो आके प्रैक्टिस करेंगे और हिंदुस्तान के कानून का कोई ज्ञान खास उनको है नहीं, लेकिन भारत के लोगों में जो मानसिकता है ना गुलामी की कि विदेशी वकील है इसी को केस देना, हाँ होता है ना हमारे देश में। हम लोग बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल करते रहते हैं। अभी हमने एक केस जीता है केरल हाई कोर्ट में एंडोसल्फान बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ। वो कंपनी अमेरिका और भारत के ज्वाइंट वेंचर में चलती है, गुजरात में उनकी फैक्ट्री है, उनके खिलाफ हमने केस लड़ा। तो उन्होंने विदेश से 3 वकील बुलाए, जिस दिन उन्होंने तय किया उस दिन हम मनी मन में खुश थे कि ये अब हारेंगे। और हमारे पास जो वकील है वो एक ऐसा लड़का है जो अभी LLB पास होकर निकला है और उसको केस चाहिए था। उसने कहा फोकट में दे दो, मैं करने को तैयार हूं लेकिन ये केस मुझे दे दो। मैंने कहा भाई तुम पिटीशन ड्राफ्ट कर लो। उसने कहा नहीं नहीं पिटीशन तो आप ड्राफ्ट करिए, मैं एपीयर होऊंगा कोर्ट पे। तो उसको पहला केस हमने दे दिया। ये बहस वहस वो करना नहीं जानता क्योंकि अभी निकला है, बहस वहस सब हमने किया, नाम के लिए उसका हर जगह इस्तेमाल हमने किया। नतीजा क्या हुआ, वो 3 अमेरिकन वकीलों के सामने हम जीते, कंपनी हार गई। मैंने उनको पूछा कंपनी वालों को कि फीस कितना दिया था, तो एक एक वकील को एक एक अपीयरेंस के लिए $25,000 दिया था और आने जाने का टिकट अलग से $25,000। एक जब डेट पड़ेगी वो आएंगे, माने $75,000 3 वकीलों का खर्च होता था, आने जाने का खर्चा अलग से देते थे, 5-स्टार होटल में वो त्रिवेंद्रम में ठहरते थे उसका खर्चा अलग से देते थे। इतना सब कंपनी ने किया और केस हार गए। और हारे कैसे, वो कुछ भी बहस नहीं कर पाए। हम उनके सामने जो भी तर्क दें वो किताब खोल के देखना चालू करें। जज परेशान हुआ, उन्होंने कहा ये क्या पागल लोग हैं, उसका टाइम वेस्ट होता था। हम एक बात कहें वो फटाफट खोलना शुरू करें। हमने कहा कि एंडोसल्फान के केमिकल कंटेंट ये हैं और इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं वगैरह वगैरह, इसमें हैवी मेटल ये है। अब वो केमिस्ट्री की बुक लाके उसको खोल खोल के पढ़ रहा। जज कहने लगा तुम पहले से पढ़ के क्यों नहीं आते। तो उसने कहा सॉरी वी आर वेरी सॉरी वी आर अमेरिकन, ऐसा वो। तो वो आधा तो ऐसे ही झल्ला गया था जज, इसलिए हमारे फेवर में जजमेंट आया, एक कारण ये भी है। लेकिन मेरिट में हम देख रहे थे, कुछ नहीं बात कर पाए। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है उसको ऐसा लगता था कि अमेरिकन वकील बहुत इंटेलिजेंट होंगे, केस जिता देंगे। रिजल्ट ये, तो भारत के सभी वर्ग के लोगों में एक मानसिक गुलामी है कि जो विदेश से आता है वो सब अच्छा है, वकील आए तो अच्छा है, डॉक्टर आए तो अच्छा है, इंजीनियर आए तो अच्छा है, प्रोफेसर आए तो अच्छा है, वहां से कंप्यूटर आए तो अच्छा है, सॉफ्टवेयर आए तो अच्छा है, ये सब कुछ विदेश से आए तो अच्छा है। अभी ये हमारे दीपक भाई बता रहे हैं स्टेट बैंक वालों ने एक ऑस्ट्रेलिया से सॉफ्टवेयर लाया है, यहां की बैंकों में लगा दिया है। एक एक दिन पूरा हेल्ड अप हो जाता है, कंप्यूटर काम नहीं करता, बैंक में काम नहीं होता। अब उनको ये सुनाया जा रहा है कि भैया सब बैंकें जब इस सॉफ्टवेयर से जुड़ जाएंगी तो अच्छा काम होगा, गारंटी कुछ नहीं। ऐसे मूर्ख लोग इस देश में हैं। हिंदुस्तान में एक से एक अच्छा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, पूना के लड़कों ने बना के दिया है सीडेक में, जो हिंदुस्तान के सभी रेलवे स्टेशन पे काम करता है। ये जो रिजर्वेशन वाला सॉफ्टवेयर है ये पूना के लड़कों ने बनाया, सीडेक में पढ़ते हैं, प्रोफेसर लेवल के नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं, उन्होंने बना के दिया इस क्वालिटी का। ये बैंक वाले भी बनवा सकते थे लेकिन इनको लगता ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो बहुत अच्छा है, अमेरिका से आए तो और भी अच्छा है। एक एक दो दो दिन बैंक बंद पड़ी रहे वो चलेगा लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बदलेंगे। और आज दीपक भाई बता रहे थे कि बैंक बंद हो जाने से जो नुकसान है वो सॉफ्टवेयर की कीमत से ज्यादा। तो ऐसे अकल हमारी बंद हो गई है, हर चीज विदेश से आए, हर चीज विदेश से आए वही अच्छी है। ये जो मानसिकता है इसका दुष्परिणाम यहां सर्विसेज में दिखाई देगा और वो दुष्परिणाम अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। देखिए विदेशी बैंकें आई हैं, विदेशी बैंकों ने कोई सेवा का काम यहां नहीं किया। सच में सर्विसेज का माने होता है सेवा देना, सेवा देना माने सुनामी भूकंप आया किसी ने कोई सेवा नहीं दी, गुजरात में भूकंप आया किसी विदेशी बैंक ने कोई सेवा नहीं दी, उसके बाद भारत में कितने कितने तकलीफ आए, कारगिल आया युद्ध, कोई भी विदेशी बैंक के किसी अधिकारी ने एक रुपए का चेक नहीं दिया।
तो वास्तव में तो सेवा कुछ दिया नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाया है। इन विदेशी बैंकों की क्या स्थिति हो गई है? साधारण साधारण से विदेशी बैंकों की मैं बताता हूं। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका 12 साल पहले आया, एक ब्रांच उनकी थी, बेंगलोर से शुरू हुई, आज 12 साल में उनकी हिंदुस्तान में 178 ब्रांचें हो गई। और जब आए थे तो डिपॉजिट कुछ नहीं था, आज उनका टोटल डिपॉजिट हिंदुस्तान के पंजाब नेशनल बैंक के बराबर आ गया। स्टेट बैंक से तो नीचे है लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के बराबर। कैसे आया? हिंदुस्तान का वो क्लास जो ये मानता है कि जो भी विदेशी आएगा वो अच्छा है, उसने अपने बैंक अकाउंट शिफ्ट कर दिए सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में। और हिंदुस्तान में एक क्लास ऐसा भी है जो ये मानता है कि विदेशी बैंकें अच्छी सर्विसेज देती हैं। अच्छी सर्विसेज का माने क्या होता है? वहां एक लड़की बैठी है रिसेप्शन पे, ऊपर से कपड़े कम है, नीचे से भी कपड़े कम है, वो मुस्करा रही है, तो अच्छी सर्विसेज। ये डेफिनेशन है हमारे देश में अच्छी सर्विसेज का, ऊपर भी कपड़े कम, नीचे भी कपड़े कम, काउंटर पे बैठी है, मुस्करा रही है, मुस्करा के आपका, भले ही वो नकली मुस्कराहट है, अंदर से कुछ भी नहीं है, लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छी दे रही है, जोरदार है। एक वर्ग तो है ही हिंदुस्तान का जो थोड़ी लंपटता में फंसा हुआ है, पैसा उसके पास आ गया, चलो भैया सिटी बैंक में खाता खोलो, कम से कम उसका दर्शन तो होता रहेगा। बैंक में जाएंगे कुछ नहीं करेंगे तो आते जाते उसका दर्शन करते रहे। फिर दूसरी सर्विसेज का मतलब, वो फोन पे आपको बोल रहे हैं, आपका हालचाल पूछ रहे हैं, आप उसी में गदगद हैं, देखो हालचाल तो पूछ रहे हैं कम से कम। ये हिंदुस्तानी बैंक वाले तो इतने निकम्मे हैं, कभी पूछते ही नहीं है कि हम बीमार हैं कि सर्दी हो गई कि जुकाम हो गया, वो हालचाल पूछ रहे हैं। और सर्विसेज का मतलब, एक विदेशी बैंक ने आजकल धंधा शुरू किया है, आप अगर उनके कस्टमर हैं तो आपका टेलीफोन बिल वो जमा करा देंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वो जमा करा देंगे, आपके बच्चों के एडमिशन करवाने हो और उनकी फीस भरनी हो तो वो करवा देंगे, आपको सब्जी बाजार से सब्जी मंगवानी हो तो वो मंगवा देंगे, उसके लिए थोड़ा सर्विस दे दीजिए, चार्ज दे दीजिए। तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छी सर्विसेज है, माने हम कुछ ना करें, हमारे छोटे छोटे काम वो करना शुरू कर दे, भले उसके लिए जेब काटते रहे, हमारे अकाउंट काटते रहे, हम बोलते हैं जी सर्विसेज बहुत अच्छी होगी। सर्विसेज की ये डेफिनेशन है, ये इसके गंभीर डेफिनेशन में कभी हम जाते नहीं कि कल को वो सब धंधा चौपट करके हिंदुस्तान से लूट के ले जाए आपका जमा धन, तो क्या करेंगे? सिटी बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा स्कैम इस देश में किया है, हर्षद मेहता घोटाला, सिटी बैंक घोटाला था, नाम हर्षद मेहता घोटाला। उसने क्या किया कि हिंदुस्तान के लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा जो सिटी बैंक में जमा था वो हर्षद मेहता के थ्रू शेयर बाजार में लगवा दिया और बाजार डूब गया। डूब नहीं था क्योंकि विदेशी कंपनियों का नियम है, बाजार को एक लिमिट तक चढ़ाते हैं फिर गिराते हैं, लूट के ले जाते हैं, तो डूबो दिया, पैसा डूब गया। सरकार ने इंक्वायरी कराई, इंक्वायरी में समझ में आया कि सिटी बैंक ने सारा किया है। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे यही मनमोहन सिंह, इनको पूछा गया कि इंक्वायरी में जब आपको पता चला है कि सिटी बैंक ने यह किया, आप क्या एक्शन लेंगे? तो उनका एक्शन तो लेना चाहिए लेकिन हम लेंगे नहीं, क्यों? कि इससे गलत मैसेज जाएगा, माने सिटी बैंक ने फ्रॉड किया, उस फ्रॉड के खिलाफ भारत सरकार को एक्शन लेना पड़े तो इससे गलत मैसेज जाएगा। तो सही मैसेज क्या होता है? वो फ्रॉड करते रहे और आप उनको परमिशन देते रहो। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड जिस विदेशी बैंक ने कर दिया वो सिटी बैंक, हजारों करोड़ रुपए लोगों का डूब गया वो सिटी बैंक के कारण, सरकार आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं। और इसी देश की बैंक ने अमरीका में छोटा सा एक गलती कर दिया था तो उनको इतना तड़ी मारा है, इतना जबरदस्त उनसे कंपेंसेशन ले लिया, हाथ पैर हिल गए सबके, सरकार उस पर भी बोलने को तैयार। तो ये विदेशियों के हाथ में सब कुछ देते चले जाना अपनी बैंकों को, अपनी बीमा कंपनियों को। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि भारत में ये जो विदेशी बैंकें हैं, मैंने लगभग 3-4 महीने पहले एक इसका वो बनाया था पूरा, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो भारत में बिल्कुल तैयार बैठी है घुसने के लिए, ऐसी ऐसी बैंकों का प्रोजेक्शंस क्या है। तो वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया में हाईएस्ट सेविंग वाला है। उनके प्रोजेक्शंस क्या है भारत के? वो कहते हैं कि यहां सेविंग्स बहुत है, और हिंदुस्तान की सरकार भी कहती है कि हमारा जो जीडीपी है लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास है, उसका 25-26% हमारे नेशनल सेविंग्स है। माने हर साल हम हिंदुस्तान के लोग 5-6 लाख करोड़ रुपए की बचत करते हैं,
हमारे जीडीपी के हिसाब से। ये बचत पर उनकी नजर है। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग ये बचत कहीं तो रखेंगे, तो कहीं रखने में सबसे बड़ा है बैंक, बाद में आती है बीमा कंपनियां, बाद में आती है और दूसरी सर्विसेज। तो वो कहते हैं कि पूरा पैकेज लेके हिंदुस्तान में घुसो, बैंक भी लेके आओ, बीमा कंपनियां भी लेके आओ, दूसरी संस्थाएं भी लेके आओ, ताकि हिंदुस्तानी लोगों के पास ये जो बचत की पूंजी है ये भारत की हमारे हाथों में आए और उस पर उनको भरपूर प्रॉफिट। भरपूर प्रॉफिट कैसा? वो आपकी ही बचत आपके ही देश में इन्वेस्ट कराते जाएं और उस पर से जो मुनाफा निकालते जाएं वो भी बहुत है। और मैं तो कई बार ये हिसाब देखता हूं कि वो कुछ ना करें, भारत में आके अपने ऑफिस ही खोलें और वहां से पैसा लाके यहां रखना शुरू कर दें, तो यहां जो सेविंग्स के रेट हैं वो उनसे चार गुने ज्यादा है। 1.5-2% के जो सेविंग्स रेट है सामान्य रूप से, वो यहां 5-5.5-6% है। तो वहां से पैसा लाना, भारत में रखना, तो इसी में कमाई है, घाटा क्या है आप बताओ? वहां 1.5% देना है, 2% देना है, यहां 5-5.5% मिल रहा है, 3% का फायदा, तो बहुत बड़ा फायदा होता है बैंकिंग सेक्टर में, हजारों करोड़ में होता है वो। तो हमारी ही सेविंग से मुनाफा कमा के लूट के ले जाएं, और हमने जो उनको दे रखा है जमा रखने के लिए, वो जरूरत पड़ने पर हमारे देश के काम ना आए। अभी सुनामी में जरूरत थी, मना कर दिया उन्होंने, गुजरात भूकंप में जरूरत थी, मना कर दिया उन्होंने, कारगिल युद्ध में जरूरत थी, मना कर दिया। तो ऐसे ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का फायदा क्या, जो देश को 1% भी मदद नहीं करे कहीं भी। अब इसमें सबसे बड़ा जो कुतर्क चल रहा है हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के और सर्विसेज के फेवर में, कि भारत की बैंकिंग सेक्टर या भारत की इंश्योरेंस कंपनियां सर्विसेज नहीं देती है, ये एक हवा चली है और ये हवा बहुत तेजी से चली है। इस हवा में अच्छे अच्छे लोग प्रभावित हैं, अच्छे अच्छे से मतलब हमारे साथ रात दिन काम करने वाले कार्यकर्ता भी इस हवा में प्रभावित है। विदेशी बैंकें बहुत सर्विसेज देती हैं, ये कभी ध्यान नहीं देते कि सर्विसेज क्या देती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सुनामी भूकंप में जितने लोग मरे, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको बैंकों में नौकरी दे दो, इनके परिवार के जिंदा बचे हुए लोग, कोई विदेशी बैंक देने को तैयार नहीं, भारत की बैंकें दे रही। और कई बैंकों में मैं जाके आया अंडमान में, लायकियत नहीं है, उनका बेटा या बेटी 18-20 साल के हैं लेकिन 9वीं पास भी नहीं है, 10वीं पास भी नहीं है, फिर भी बैंकों ने रख लिया। चलो चपरासी का काम तो करेगा लेकिन चपरासी की भी पगार महीने की 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये जिंदगी भर के लिए फिक्स हो गया। उनकी ट्रेनिंग करा रहे, नौकरी दे दी उनको, जो एक भी विदेशी बैंक देने को तैयार। तो हम कहते हैं उनकी सर्विसेज अच्छी है, क्या सर्विसेज अच्छी है? बस यही ना कि वो एक लड़की बैठी है उनके रिसेप्शन पे कम कपड़े पहने हुए जो मुस्कुराती रहती है, ये सर्विसेज थोड़ी होती है। सर्विसेज ये होती है कि जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तान के हजारों लोगों को नौकरी दे दिया उन्होंने, इंश्योरेंस वाले एडजस्ट कर रहे हैं, बैंकिंग वाले एडजस्ट कर रहे हैं। और मैं वहां स्टेट बैंक वालों से मिला था मद्रास में, मैंने पूछा आप ये जो गांव गोद ले लिया है इसमें कहां से खर्चा ला रहे हैं? उन्होंने कहा हमने सबसे सैलरी का एक एक महीने का इकट्ठा करके, उनकी भावना देखो कि हमारे भाई हैं, तो अपने अपने सैलरी के पैसे इकट्ठा करके घर बना के दे रहे हैं, नौकरी उनको दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, टाइपिंग सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, और उनमें से कई को तो ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि साबुन बना लो, मंजन बना लो, लोन दे देंगे, लोन से इंडस्ट्री चला लो। एक भी विदेशी बैंक ये सर्विस नहीं दे रही है वहां पे सुनामी प्रभावित एरिया, और न इस तरह की सर्विस गुजरात में दिया था इन्होंने जब भूकंप आया था, उसका तो मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं दोनों जगह का, सुनामी का भी और गुजरात। हमने 4 महीने वहां काम किया था, गुजरात के बहुत सारे इलाकों में जो गांव तबाह हो गए थे वहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी के खादी के कपड़े बनते थे। इन लोगों ने दोबारा अपनी काम शुरू करने के लिए भारत की बैंकों से लोन मांगा, फटाक से मिला, विदेशी बैंकों के सामने और भारत की प्राइवेट बैंकों के सामने प्रपोजल रखा, सब रिजेक्ट किया उन्होंने, एक भी प्रपोजल स्वीकार नहीं किया उन्होंने। क्यों? वायबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, डूब जाएगा हमारा पैसा, तो ठीक है सेवा में जाएगा। नहीं साहब, हम सेवा नहीं देते हैं, हम प्रॉफिट पे काम करते हैं। तो जो रियल सर्विसेज होती है वो ये होती है, लेकिन हमको ये दिखाई नहीं देती है क्योंकि हमारे सोचने का तरीका, देखने का तरीका बहुत शैलो हो गया है। थोड़ा अंदर घुस के नहीं देखते हैं कि सर्विसेज वास्तव में होती क्या है।
हिंदुस्तान में सर्विसेज देने का काम रियलिटी में अगर किसी ने किया है थोड़ा बहुत तो भारत की पब्लिक सेक्टर बैंकों ने, बीमा कंपनियों ने या हमारी संस्थाओं ने किया है। न कोई विदेशी बैंक ने, न कोई विदेशी बीमा कंपनी ने, न विदेशी किसी संस्था ने थोड़ी भी सर्विस दी हो, ऐसा एक भी उदाहरण पूरे देश में नहीं। कितने ऐसे मैंने देखा है पानी के प्याऊ हैं जो बैंकों द्वारा चलाए जा रहे हैं, कितने ही स्थानों पर। रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा बैठने के लिए बेंचें बनाई हुई हैं बैंकों ने। कितने ही ऐसे हवाई अड्डे मैंने देखे हैं जहां पर जो जाने वाला यात्री है उसको छोड़ने के लिए आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था कराई हुई है, जो एयरपोर्ट वाले भी नहीं कराते हैं। कितने ही ऐसे गांव मैंने देखे हैं जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने बस अड्डा बनवा दिया है, बस अड्डे के बाहर प्याऊ लगवा दिया है, वहां बैठने की व्यवस्था की हुई है। कितनी ही जगहों पर मैंने देखा है LIC वालों ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वालों ने स्कूल के स्कूल गोद ले रखे हैं, जहां हर साल वो फंड्स भिजवाते हैं, उनको ड्रेस बनवाते हैं उनके स्कूल। यहां आप भिलाई में देखो, आसपास में देखो। मैं कल पता नहीं किस गांव में गया था, जेवरा गांव में मैंने पूछा ये स्कूल किसने बनाया, तो भिलाई स्टील प्लांट ने बनाया। भिलाई स्टील प्लांट स्कूल बना सकता है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में एक स्कूल ऐसा दिखा दो जो किसी विदेशी बैंक ने बनाया हो, या विदेशी बीमा कंपनी ने बनाया हो, या कोई ऐसी कंपनी ने बनाया हो जो भिलाई में बीसियों साल से धंधा कर रही है, कोलगेट, पामोले, प्रॉक्टर एंड गैम्बुल, रैकेट एंड कोलमैन, हिंदुस्तान लीवर वगैरह वगैरह, या लाफार्स जो सीमेंट बेचने आई है, इसने कहीं कोई स्कूल बनाया हो। सर्विसेस तो ये होती है, समाज की जरूरत के लिए जो कुछ चाहिए वो उपलब्ध कराना, वो सर्विसेज है। और उससे भी ज्यादा समाज को जब बहुत अधिक जरूरत की आवश्यकता हो, कोई प्राकृतिक विपत्ति आ गई हो, उस समय लोगों के साथ खड़े हो जाना, उससे बड़ी सर्विस कोई नहीं होती है। उससे बड़ी कोई सर्विस नहीं होती, क्योंकि उस समय जब चारों तरफ उनको घटाटोप दिखाई देता है, उसमें जब आप सहारा बन के खड़े होते हैं बीमा के रूप में या बैंकिंग के रूप में या किसी और रूप में, वो शायद सबसे बड़ी सर्विस होती है। ये सर्विसेज की डेफिनेशन हमने गुमा दिया। हम देखते हैं उनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मार्बल अच्छा लगा है, टेलीफोन रोज कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, अब तो बिजली का बिल भरने को तैयार हैं, आपके घर के बच्चे की पोतली धोने को भी थोड़े दिन में तैयार हो जाएंगे, आप धुलवा लो उनसे, आपका उनको एक अकाउंट चाहिए अपने यहां। और आप मुझे एक बात बताओ, कोई विदेशी बैंक है जो 50 रुपए में बैंक अकाउंट खोल दे आपका? मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50 रुपए में मेरा अकाउंट खोला था, और वो अकाउंट बहुत दिन तक इनऑपरेटिव रहा। हर साल बैंक की तरफ से एक चिट्ठी आती थी और मुझे याद दिलाते थे, फिर एक दिन मैंने कहा बंद कर दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। तो भी उन्होंने कहा कि आप हमारे कस्टमर रहे इतने साल तक। मैंने हिंदुस्तान में कोई विदेशी बैंक में पता किया कि भैया 50 रुपए में अकाउंट खुल सकता है क्या? उन्होंने कहा किस जमाने की बात कर रहे हैं आप। एक दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंतिम से अंतिम गांव में जाकर अगर कोई विदेशी बैंक शाखा लगाने को तैयार हो तो मुझे बताओ। हिंदुस्तान में एक भी विदेशी बैंक, मान लो सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, ANZ, ढूंढलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, भारत के गरीब से गरीब गांव, अंतिम गांव जिनको कहा जाता है, वहां शाखा लगाने को तैयार है क्या? वो कहते हैं जी काय को लगाएं, ये तो घाटे वाली चीज है। और हिंदुस्तान की नेशनलाइज बैंकें सभी ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव में शाखाएं चला रही हैं जहां पर स्टाफ की सैलरी पर होने वाला खर्चा वहां जमा होने वाली रकम से कई गुना ज्यादा है, फिर भी वो चल रहा है, क्योंकि सर्विस देनी है। मेरे अपने गांव की मैं बता सकता हूं, मेरे गांव में बिजली नहीं है लेकिन स्टेट बैंक की शाखा है। मेरे गांव बिजली नहीं है, सड़क भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं बस से उतर के, तब मेरे गांव में पहुंचने का नंबर आता है। तो मेरे गांव में स्टेट बैंक की शाखा है, वहां पे जितने कर्मचारी काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा आपकी तनख्वाह कितनी है, तो महीने की तनख्वाह के बराबर डिपॉजिट नहीं आता, फिर भी वो वहां बैठे हैं बेचारे, पंखा नहीं रहता है, बिजली नहीं रहती है, काम करते हैं, पसीना पसीना होते रहते हैं। गांव वालों की थोड़ी मदद हो जाती है उसमें, क्योंकि चोरी वोरी बहुत होती थी, तो पैसा जमा करने लगे तो चोरी कम। तो ऐसे दूर दराज में जाके छोटी छोटी शाखाएं खोलना,
जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, ऐसी शाखाएं खोलना, उन गांव में कभी स्कूल खोलने में मदद करना, प्याऊ बनवाना, बैठने के लिए बेंच में लगवाना, जगह जगह बस स्टैंड के लिए छत डलवाना, ऐसे ऐसे सब काम तो भारत की बैंकें, भारत की बीमा कंपनियां कर रही हैं। ये है सर्विसेज। लेकिन प्रचार क्या हो रहा है कि विदेशी बैंकें सर्विसेज बहुत देती हैं, कुछ सर्विस नहीं देती, लिप सर्विस देती है बस, रियल सर्विस कुछ नहीं है, लिप सर्विस है। आपको गुड मॉर्निंग करेंगे, हेलो करेंगे, सवेरे करेंगे, शाम को करेंगे, बस इतना ही है। आप बीमार हो गए, हालांकि दवा नहीं दिलवाएंगे, लेकिन आपसे सहानुभूति ऐसी जताएंगे जैसे आपके सबसे बड़े खैर ख्वाब वही है। हाँ, हमको तो बड़ा दुख है, आपको माइग्रेन हो गया है, आपको ऐसा हो गया है, तो कहो ना भैया इलाज करा दो, वो आप करा लो, बस हम आपको लिप सर्विस दे सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा है साहब, ऐसे हैं। वो सर्विसेज में कभी विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ धंधा करने आते हैं, धंधा करने के लिए घुसे हैं, धंधा ही करेंगे और मुनाफा कमा के लेके जाएंगे। वो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है कि हमारे खून पसीने की कमाई हम उनके यहां जमा करें, वो हमारे ही काम ना आए। हिंदुस्तान की सभी बैंकें, सभी बीमा कंपनियां सरकार को हर साल नेट प्रॉफिट देती हैं, आप जानते हैं, वही नेट प्रॉफिट पंचवर्षीय योजना के काम आता है, वही उसी से सारी हमारे देश की योजनाएं बनती हैं विकास की। पता नहीं कितनी बैंकों के, कितनी बीमा कंपनियों के दिए गए प्रॉफिट के पैसे से हिंदुस्तान में कितनी सड़कें बनी। ये जो बिजली घर चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में, पावर हाउसेस, सबसे ज्यादा पैसा इनमें LIC GIC का लगा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। इसी तरह से हिंदुस्तान में ये जो कम खर्चे के घर बनाने की योजनाएं जो भारत सरकार ने बनाई है ना, जिसमें आज तक शायद 10 या 12 लाख घर बन चुके हैं अलग अलग स्थानों, ये सब LIC GIC और बैंकों के पैसे का है, कोई विदेशी बैंक ने मदद नहीं की है इसमें। तो रियल सर्विसेज तो हमारे ही लोग देंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, उनको हमारा दुख दर्द भी समझता है। अब उसमें क्या होता है, हम छोटी बातों में ज्यादा फंसते हैं। छोटी बात कैसी, हम कहते हैं जी स्टेट बैंक वाले जाते हैं तो हमको नमस्ते नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, हमारा मुस्कुरा के स्वागत नहीं करते, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं बड़े मैकेनाइज तरीके के काम करते हैं, ठीक है। अब ये छोटी बात में हम फंसे हैं, इससे बड़े काम जो वो कर रहे हैं वो हम छोड़ देते हैं सर। कभी हमने पूछने की कोशिश की है कि ये स्टेट बैंक वाले क्यों नहीं मुस्कुरा पाते? इसलिए नहीं मुस्कुरा पाते कि उनके ऊपर काम का बोझा इतना है कि वो चाहे भी तो नहीं मुस्कुरा सकते। मैंने एक बार स्टेट बैंक के, मेरे एक दोस्त हैं, इनके स्टेट बैंक के वो पता नहीं क्या बहुत बड़े पद पर हैं, GM है, पता नहीं क्या है, बंबई में कभी कभी मैं उनके घर जाता हूं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि स्टेट बैंक में जितनी वैकेंसीज हैं वो सभी पूरी हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं राजीव भाई, पूरी नहीं है। फिर मैंने कहा ये काम कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा ऐसे चल रहा है कि एक आदमी से तीन आदमी का काम ले रहा है। मैंने कहा फिर तो वो मुस्कराने से रहा, आपने गधा बना दिया, उसको बैल बना दिया, वो है कैसे मुस्कराएगा? एक आदमी को सैलरी दो और तीन आदमी का काम निकालो तो तेल निकाल रहे हो आप तो उसका। तो उनका हम क्या करें, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में यही सब करना पड़ता है। माने ग्लोबलाइजेशन ने इतनी मार मारी है इन कर्मचारियों को कि ये बेचारे तीन आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कंप्यूटर आ गया आपके यहां तो बहुत लाभ हो गया सुविधा? उन्होंने कहा कुछ सुविधा नहीं हुई है, कोई सुविधा नहीं हुई है, बहुत सारे टेंशन और बढ़ गए हैं, वायरस घुस जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, कभी नेटवर्क फेल हो जाता है। एक जगह तो उन्होंने मुझे यहां तक मान लिया कि हम पहले मैनुअल रजिस्टर बनाते थे, वो अच्छा था, समय भी कम लगता था, काम भी आसानी से होता था और पक्का होता था, और उसमें ट्रेनिंग होती थी, रियल ट्रेनिंग तो वही होती है ना अकाउंट बनाने की। तो वो रियल ट्रेनिंग लेके आदमी जब जाता था तो उसको ज्ञान पहले से ज्यादा होता था और वो चाहे तो दूसरों को बांट सकता था। लेकिन अब जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है, ज्ञान जो है ना विशेषज्ञता का हो गया है, उसकी ट्रेनिंग बंद हो गई। तो हम कई बार शिकायत करते हैं जी बैंक वाले रूड व्यवहार करते हैं। रूड व्यवहार करते हैं इसलिए कि उनके साथ वहां जो व्यवहार हो रहा है वो बहुत खराब है, और इतना खराब हो गया है बैंकों के अंदर का माहौल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूं तुम लोग प्रमोशन पे क्यों नहीं जाते हो? कहते हैं प्रमोशन पे जाना और बड़ा तकलीफ का काम, इसलिए कहते हैं प्रमोशन नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में अकेला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर जहां के कर्मचारी प्रमोशन से दूर भागते, हमें नहीं चाहिए, तुम रखो तुम्हारे पास। कारण क्या है, तकलीफ और बढ़ती है, उनको परेशानियां और बढ़ रही।
तो उनकी जो तकलीफें हैं वो हमें समझ में नहीं आती। हम क्या मानते हैं कि वो मुस्कराते नहीं हैं, हमको ठीक से अटेंड नहीं करते हैं, झल्लाते बहुत हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है, उसके कारण बहुत हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण है बैंकिंग सेक्टर में काम करने का